हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ लर्नर्स टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश। आज हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर का क्या बिजनेस मॉडल है क्विकली देखेंगे और उसके फाइनेंशियल भी क्विकली चेक करेंगे और चार्ट पैटर्न देखेंगे और हम करंटली प्राइस जो चल रहा है उससे आगे क्या मूवमेंट बन सकता है वो भी चेक आउट करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है कि मैं टाटा पावर के बारे में बात करूंगा तो मेरी आपको कोई एडवाइज नहीं है कि आप उस कंपनी के शेयर को खरीदें या बेचें। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। आप अपनी स्टडी जरूर करें को भी आपको शेयर खरीदने से पहले या फिर बेचने से पहले या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर सकते हैं। सो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो टाटा पावर इज एक लार्ज कैप कंपनी है जो पावर सेक्टर में काफ़ी पुरानी कंपनी है और इंडिया में अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। सो वी विल गो टू इट्स वेबसाइट फर्स्टली। जैसा कि मैं हर वीडियो में जाते हैं, सबसे पहले हम क्विकली इसका बिजनेस एनालाइज करते हैं। तो टाटा पावर जो है ना, वो एक बहुत अच्छी, एक तरह से काफ़ी इम्प्रूविंग हो रही है। जैसे यहाँ पे दिखा भी है टाटा पावर सोलर रूफ, अब ये सोलर रूफ में भी आ गए। मतलब मैं आपके घर पर सोलर की जो रूफ लगा देते हैं फिर उससे जो एनर्जी बनती है उसमें भी काम कर रहे हैं। अभी वो यूनिट यूनिट करके आपकी पावर को रिड्यूस इंक्रीज करने वाले हैं। बिकॉज कोई अगर हम कोई चीज़ को बड़ा करते हैं, अगर उसमें एक एक करके सारे लोग मिल जाएं तो पावर सेक्टर काफ़ी कुछ बढ़ जाएगा। और सोलर पावर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा फोकस है और आने वाले भविष्य में सोलर ही एनर्जी काफ़ी रहेगी। सो मेरे हिसाब से टाटा पावर इस मामले में काफ़ी कुछ कर रहा है और टाटा पावर चार्जिंग स्टेशन भी लगा रहा है। बिकॉज अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी हमको पावर सेक्टर की जरूरत पड़ेगी बिना पावर। तो टाटा पावर ये काम भी कर रहा है और टाटा पावर ईजेड होम भी कर रहा है। तो मतलब है टाटा पावर जो बिजनेस कर रहा है वो काफ़ी फ्यूचर को देख के लग रहा है कि वो आज के 5 साल आगे जो बिजनेस लोग करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। वो अभी से उन्होंने स्टेप ले लिए और टाटा पावर इस मामले में काफ़ी आगे काम कर रहा है। और देख लेते हैं और इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी में विंड एनर्जी भी बनाते हैं, सोलर एनर्जी में भी है ये लोग, और कन्वेंशनल एनर्जी जो जनरेशन जो है, जो परंपरागत एनर्जी जो है वो हाइड्रो थर्मल एंड बेस्ट हीट रिकवरी से जहाँ से बनाते हैं वहाँ से बना लेते हैं ये लोग रिकवरी। और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम है इनके पास। और नेक्स्ट जनरेशन जो इनका बिजनेस है, जो आने वाले भविष्य में जिस तरह का बिजनेस है उसमें सोलर रूप में है। बिकॉज अगर आप US की बात करें तो US में जो टेस्ला कंपनी है वो क्यों इतनी आज की तारीख में टेस्ला इतना कुछ इतना ज़्यादा अमीर बन गए, वो उसका रीज़न ही है कि उन्होंने सोलर पावर में सोलर रूफ पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है, इसलिए वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई और उसके इतने बड़े पैसे वाले लोग बन गए। सो मेरे हिसाब में जो टाटा पावर इसमें काफ़ी कुछ काम कर रहा है। ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन भी दे रहा है, ईवी चार्जिंग स्टेशन भी लगा रहा है। बिकॉज कंपनी को सब कुछ करना है तो ये काम भी करना पड़ेगा और जो पहले कर लेगा वो उसके पास काफ़ी गियर अप हो जाएंगे, वो काफ़ी एक्सीलरेट कर लेंगे अपनी चीज़ों को। होम ऑटोमेशन पे में ये एस्को पे भी हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की और सर्विस बिजनेस भी प्रोवाइड करते हैं, जनरेशन सर्विस प्रोडक्ट करते हैं और प्रोडक्ट एंड सर्विस भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे मामले में टाटा एक पावर काफ़ी अच्छा काम कर रही है इन सेक्टर में। इनके पास विंड एनर्जी भी है, सोलर एनर्जी भी है, थर्मल में भी काम कर रहे हैं और अपने हाइड्रो एनर्जी में काम कर रहे हैं और दे आर द मेकिंग सोलर रूफ ऑल्सो। सो एक बड़ी कंपनी काफ़ी बड़ा काम कर रही है मेरे हिसाब से, तो काफ़ी अच्छी बिजनेस, इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। आई होप आपको ये बिजनेस मॉडल समझ में आया होगा। बिकॉज अगर आप इस चीज़ को अभी नहीं पकड़ पाएंगे तो आप कभी नहीं पकड़ सकते। आप देखिए कि आपके आसपास में हर घर में कहीं ना कहीं लोबानो रूफ सिस्टम अभी से लगा लिए सोलर रूफ, तो उनके पास बिजली का बिल भी बचेगा और उनका काफ़ी ज़्यादा पैसा बचेगा और वो भविष्य में काफ़ी आगे बढ़ गए। पावर के फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी देख लेते हैं, टाटा पावर कंपनी इज द प्राइमरी इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट एम्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज। कंपनी ने अपना एम ही बना लिया कि मेरी जो एनर्जी सोर्सेज जो फ्यूचर में प्रोडक्ट होगी वो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से होगा। जिस कंपनी ने अपना फोकस ही चेंज कर दिया हो तो सोचिए अब उसका क्या क्या वो कर रही होगी बिहाइंड द सीन। इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर सोलर रूफ एंड प्लान्स टू बिल्ड अप 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बाय 2025। 1 लाख ईवी स्टेशन बना लेंगे 2025 तक। कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनाने जा रही ईवी स्टेशन, ये सब गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट अब इस टाइप पे फोकस में भी नहीं है। जो बिजनेस गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट चलाना, तो गवर्नमेंट चलाएगी। और बिजनेस करने वालों का नाम है बिजनेस सेटअप करना। तो मेरे हिसाब से टाटा पावर एक अच्छा काम कर रही है यहाँ पर। और पोर्टफोलियो यहाँ पे दिया गया है कहाँ से कितना परसेंट इनके पास एनर्जी जनरेट होता है। अभी जो थर्मल पावर से 57% एनर्जी आती है और सोलर से 25% एनर्जी आ रही, विंड से 8% आ रही, हाइड्रो से 7% एंड बेस्ट हीट रिकवरी से 3% इनके पास एनर्जी जनरेट हो रही। तो काफ़ी ज़्यादा पार्ट इनके पास सोलर से है, आप यहाँ पे चेक देख सकते हैं। दीज आर द पॉइंट विल डेफिनेटली सो इन फ्यूचर आफ्टर 5-7-10 साल में ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी।
इनका विजन भी काफ़ी अच्छा है, गोइंग फॉरवर्ड द कंपनी वॉन्ट्स टू अचीव द क्लीन एंड ग्रीन पोर्टफोलियो 80% बाय 2030 एंड 100% बिफोर 2045 ग्रोथ थ्रू द लो कार्बन बिजनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन न्यू बिजनेस। आप ये जानते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वर्ल्ड में जो फॉरम होती है वहाँ पे बोला है कि 2075 तक हम कार्बन फ्री हो जाएंगे। अब कार्बन फ्री कैसे होंगे, ये सब चीज़ों को आपको अभी से चलाना पड़ेगा तभी आप कार्बन फ्री हो पाएंगे। जनरेशन सेगमेंट दिखाया है, 64% रेवेन्यू यहाँ से आता है, रिन्यूबल सेक्टर से 1% आता है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से 35% रेवेन्यू आता है और बाकी के ये पॉइंट आप चेकट आउट कर लीजिए। फोकस में कंपनी ने बताई दिया है कि इनका पूरा फोकस जो है ना लिखा भी है, कंपनी मेन फोकस ऑन रिन्यूबल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल द कस्टमर एंड सेंट्रिक बिजनेस, सोलर रूफटॉप्स, सोलर पंप्स, माइक्रोग्रिड्स, ईवी चार्जिंग, एनर्जी सर्विसेज, होम ऑटोमेशन, फ्लोटिंग सोलर एंड अदर्स। तो इनका मोन मेन जो फोकस है पूरा रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस हो चुका है। चलिए बाकी के पॉइंट आप चेक इट आउट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं इनका फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप है 64,370 करोड़ का है, करंट प्राइस 201 रुपये चल रही है, लो और हाई 298 एंड 190 गया है, स्टॉक का पी 21 रुपीज़ है, बुक वैल्यू 80 रुपये है, डिविडेंड भी देती है 0.87%, ROC 9.21 है। आप कोई भी हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें लगा होता है उसका ROC इसी के आसपास रहता है, ROE 8.14 है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.5 है और प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है 46.9%, डेट टू इक्विटी 2.01 है। ये डेट टू इक्विटी आप इट इज एडजस्टेबल बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, ज़्यादा पैसा लगता है। कंपनी के मार्केट कैप जो है ना वो 24,438 करोड़ हुआ करती थी 5 साल पहले, और 7 साल पहले 20,853 हुआ करती थी, और 3 साल पहले 19,961 करोड़ की हुआ करती थी, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रहा है वो 3,062 करोड़ का दिख रहा है, करंट रेशियो 0.59 दिख रहा है, ROIC 9.6 है, इंडस्ट्रीज का P21 है, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्यूक रेशियो 0.49 है, ऑल टाइम हाई 298 है और लो 27 रुपीज़ है, नंबर ऑफ इक्विटीज 320 करोड़ है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो तकरीबन 7-12 क्वार्टर के अंदर इन्होंने अपनी जो सेल्स है तकरीबन डबल कर ली है। दिसंबर 2022 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो दिसंबर 2022 में इनकी 14,129 करोड़ की सेल्स हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,319 करोड़ का आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है 16% है, अदर इनकम भी 1,497 करोड़ की है और इंटरेस्ट भी 1,098 करोड़ का है, डेप्रिसिएशन 853 करोड़, कहीं जाने वाला नहीं है, इनके पास ही रहेगा। तो कंपनी के पास जो नेट प्रॉफिट आया है वो 1,052 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है, वो भी काफ़ी हाईएस्ट एवर है पिछले 12 क्वार्टर में आप देख सकते हैं, और जो इनकी EPS है वो भी काफ़ी अच्छी है 2.96 की, और 3 साल पहले 0.71 की थी। तो कंपनी अपने आप को काफ़ी अच्छा कर रही है, ग्रो भी कर रही है मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके, फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे बढ़ते चले जा रहे हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो मार्च 2011 में इनकी जो सेल्स हुआ करती थी 19,460 करोड़ की हुआ करती थी, जो बढ़ते बढ़ते ट्रेलिंग 12 मंथ में 54,615 की इनकी सेल्स दिख रही है, एक्सपेंस भी दिख रहे हैं 47,602 करोड़ के, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आया है 7,013 करोड़ का आया है, इट इज़ ऑल्सो हाईएस्ट एवर, इतना नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कभी नहीं आया ट्रेलिंग 12 मंथ में, जो दिख रहा है हमको वो काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी दिख रहा है इनके पास 13%, अदर इनकम भी 4,906 करोड़ दिख रहा है, इट इज़ ऑल्सो हाईएस्ट के आसपास ही है, एंड डेप्रिसिएशन दिख रहा है 3,359 करोड़, ये पैसा कहीं नहीं जाने वाला, और कंपनी के पास जो नेट प्रॉफिट ट्रेलिंग 12 मंथ में दिख रहा है 3,503 करोड़ का, इट इज़ ऑल्सो हाईएस्ट एवर। अब 3 क्वार्टर आ चुके हैं, 1 क्वार्टर को आप निगेटिव मत समझिए, मेरे हिसाब से नेट प्रॉफिट इसी के आसपास बैठेगा बल्कि इससे ज़्यादा जाएगा। प्राइवेट कंपनियों को ये काम सही बहुत अच्छी तरीके से करना आता है और कंपनी का फोकस भी आप समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो शेयर कैपिटल इनके पास 320 करोड़ का है, कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी अच्छा है 25,363 करोड़ इनका खुद का पैसा है, बोरिंग है 53,251 करोड़ की, बोरिंग भी बढ़ रही है बट इट इज़ ऑल्सो हैवी इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, सब इनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है तो इट इज़ एडजस्टेबल। बिकॉज एक छोटी सी बात बता देता हूँ, बिना एनर्जी के आदमी कुछ नहीं कर सकता, आपके पास अगर कार होगी और उसमें इलेक्ट्रिक से कार चलेगी, अगर ये इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं होगा तो आपकी कार नहीं चल पाएगी, आपके घर में आप स्विच ऑन ऑफ करते रहेंगे, लाइट नहीं आएगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फिक्स असेट की, तो कंपनी के पास 2011 में 16,037 करोड़ का फिक्स असेट था जो 59,259 करोड़ का हो गया है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में भी 3,668 करोड़ दिख रहा है, इट इज़ ऑल्सो गुड, कंपनी की जब सेल्स बढ़ जाएंगी डेफिनेटली, और कैश फ्लो पॉजिटिव है ऑलवेज, तो दैट इज ऑल्सो ग्रेट हेयर।
एंड वन ऑफ थिंग्स इज अ शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर के पास, प्रमोटर ने मार्च 2020 से अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, अभी 46.86% प्रमोटर की होल्डिंग दिख रही है, जो काफ़ी अच्छी है। FII ने भी काफ़ी अच्छी पोजीशन रख रखी है, बेसिकली इनके पास काफ़ी ज़्यादा थी पर अभी कम कर दी है, 9.63 FII के पास होल्डिंग है। DI के पास भी ठीक ठाक होल्डिंग है, 14.32, और थोड़ा बहुत जो माल है वो पब्लिक के पास है, पब्लिक के पास 28.87 है। तो ये गुड शेयर होल्डिंग पैटर्न है, क्योंकि कंपनी एक नए बिजनेस में जब टर्न होती है ना, तो FIDIs थोड़े से उनके पास पैरामीटर रहते हैं, वो हर जगह नहीं घुस सकते, उनकी चेकलिस्ट रहती है, बिकॉज उनके पास खुद का पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा है, और पब्लिक के पैसे को हैंडल करना मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा टेंशन होता है। अपना पैसा आप आसानी से हैंडल कर सकते हो, अगर आपका फ्रेंड बोले कि आप मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा सिरदर्द होगा। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं, शेयर होल्डिंग काफ़ी अच्छे हैं। चलिए बात करते हैं चार्ट पैटर्न की। सो हियर मैंने टाटा पावर का चार्ट ओपन कर रखा है। तो चार्ट में एज सच कंपनी ने जब यहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास जो शेयर था इसका, तकरीबन 298 के आसपास इनका ऑल टाइम हाई था, और अभी जो ट्रेड कर रहा है वो काफ़ी अच्छे सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। यू कैन चेक इट आउट हियर, यहाँ पे इस पे सपोर्ट दिया पहले, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर, और अभी ये यहाँ पर, मुझे यहाँ से नीचे जाता हुआ नहीं लगता किसी के मायने में। अगर यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएगा तो ये जा सकता है 190 के आसपास एंड 180 के आसपास, जो इसका यहाँ पे काफ़ी दिन तक मूवमेंट रहा, ये 178 के आसपास ये वाला, और बट मुझे लगता नहीं कि यहाँ से जाएगा। बट इसका मूवमेंट भी कहाँ से बन सकता है, इसका मूवमेंट मेरे हिसाब से इसकी जो प्राइस है 220 के आसपास जो रेंज है, दिस इज़ द रेंज, इसका जो प्राइस अगर 220 के ऊपर जाएगा, जैसे आप देखिए ये यहाँ पे किया, फिर यहाँ से मूव बनाया, इस शेयर ने यहाँ मूव किया, फिर यहाँ से भी मूव गया, फिर यहाँ पे कई दिन तक ट्रेड करता रहा, फिर यहाँ से मूवमेंट बनाया, यहाँ पे भी कुछ दिन ट्रेड किया, फिर यहाँ से मूवमेंट बनाया, फिर यहाँ से फिर थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे कुछ दिन ट्रेड किया, फिर यहाँ से मूव बनाया। तो 220 के आसपास अगर ये शेयर ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से फिर अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रेक करेगा। सो इसमें मेरी कॉल क्या हो सकती है, इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल। मेरे हिसाब से इस टाइप की कंपनियों को आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना चाहिए, बिकॉज ये वो कंपनियां हैं जो आपको फ्यूचर में आपका फ्यूचर डिफाइन कर रही हैं। और अगर यहाँ से अगर हम इस प्राइस से देखें तो तकरीबन 50% यानी 49% 48% का रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है, प्रॉफिट आता हुआ समझ में आ रहा है, अगर यहाँ से हम इसको लेके रखते हैं और ऑल टाइम हाई के लिए। जिस कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हों, नेट प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, हर क्वार्टर में हाईएस्ट एवर रिजल्ट दिए, कंपनी नए बिजनेस में आ गई है, रिन्यूएबल एनर्जी में आ गई है, चार्जिंग स्टेशन लगा रही है, रूफ सोलर लगा रही है, आपके घर पे यही लगाएंगी कंपनियां, तो क्या कर सकते हो इससे ना, और क्या क्या करेगा कोई। तो मेरे हिसाब से टाटा पावर का आपको कम से कम लॉन्ग व्यू बना के रखिए, ये इट इज़ 40-45% कोई पैसा नहीं होता है। अगर 1 करोड़ का 1.5 करोड़ कर भी लोगे, 1 लाख का 1.5 लाख कमा भी लोगे, तो उससे लाइफ नहीं बनने वाली आपकी। तो मेरे हिसाब से इस टाइप के शेयरों को, इस टाइप के आपके इनको ये एक हीरे की तरह काम कर सकते हैं, अगर आप इनको 8 से 10 साल के लिए रखें, बिकॉज एनर्जी जो है ना वो फ्यूचर में बहुत डिमांडेबल है। बिकॉज जब एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं, जब हम इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ावा की बात करते हैं, जब इंडस्ट्री यहाँ पर आएंगी तो उनको भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट हो जाएंगे तो पावर की डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी, और डेफिनेटली आगे आगे चल के लोगों घर में AC लगेंगे, जहाँ AC नहीं है अभी, कहीं जगह कूलर नहीं है, धीरे धीरे हीट का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी। और टाटा पावर बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी कंपनी हो सकती है। और यह एक वीडियो था टाटा पावर के बारे में, जो मैंने आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द बटन एंड शेयर द चैनल। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।